आज केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। 14 तारीख को पंजाब की जथेबंदियों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया और वहां बातचीत बुलाने के बाद में उन जथेबंदियों से बात नहीं की, एक मजाक बनाने का काम किया, माहौल बनाने का काम किया, उसके लिए आज पंजाब के किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। अभी हम आगे तो अभी 22 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर इसके दुष्यंत चौटाला रंजीत चौटाला के इस्तीफे की मांग को लेकर हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे और 19 तारीख से है जो यहाँ से पक्का मोर्चा से पूरे हरियाणा के लिए एक जत्था चलाया जाएगा जो सभी जिलों के अंदर जाके इस पक्के मोर्चे के अंदर आने का सब लोगों को निमंत्रण देके आएगा। पक्के मोर्चे से यहाँ से सुबह जत्था शुरू किया जाएगा 19 तारीख को। ये धरना लगातार जारी रहेगा जो देश के अंदर 3 काले कानून इन्होंने कृषि विरोधी किसान विरोधी जो बनाए हैं, इन कानूनों के खिलाफ ये पक्का मोर्चा तब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का कार्यक्रम बन रहा है, उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि दिल्ली को 26 और 27 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेगा पूरे देश का किसान। अलग नहीं थे, सब इकट्ठे ही थे, वो किसी कारणवश एक धरना जो है अलग उनके कार्यक्रम थे तो उन्होंने 4-5 दिन के अपने कार्यक्रम किए थे और वो कार्यक्रम करके कल से है जो इसी पक्का मोर्चा का जो ये भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा लगा है वहीं पे सब संगठन यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और सारे पूरे देश के सभी किसान संगठन इकट्ठे होकर इन काले कानूनों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। पूरे देश के सभी किसान संगठन एक साथ हैं।